सब स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है एक वीक के लिए। नहीं जी, ना गर्मियों की छुट्टी है, ना सर्दियों की छुट्टी है, ना स्प्रिंग हॉलीडेज है, कुछ भी नहीं है। लेकिन जी स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है ये कहकर कि कोई लेडी, कोई फीमेल जो है, कोई खातून जो है, वो इस्लामाबाद में दाखिल हुई है। और कहा यह जा रहा है कि वो सुसाइड बॉम्बर है, और वो यानी कि दहशतगर्द है, टेररिस्ट है कोई, और वो किसी जगह पर जाकर किसी यूनिवर्सिटी, स्कूल या कॉलेज में जाकर जो है किसी किस्म का टेररिज्म कर सकती है। है। कुछ लोग जो यहाँ पे इस किस्म की किसी भी गैर कानूनी इज्तिमा की कोशिश करते हैं, हम उन्हें मुतला करते रहते हैं कि मुल्की हालात के पेश नज़र या किसी पेशगी इतला की वजह से ऐसा करना नुकसानदेह हो सकता है। इसके बावजूद हम उनको सिक्योरिटी भी मुहैया करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी की जो फराहमी है वो दो तरफा अमल है, इसमें आप सब लोगों का तआवुन शामिल है। पाकिस्तान के वफाकी दारुलहकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो है वो तख़रीबकारी की कार्रवाइयाँ जो हैं वो होने वाली हैं, और दहशतगर्द पहुँच चुके हैं, और उन दहशतगर्दों के अंदर एक खातून भी शामिल है। और मॉडल वही होगा जिसमें चाइनीज़ सेंटर जामिया कराची के ऊपर हमला हुआ था। या अपने आप को उड़ा सकती है या कुछ भी कर सकती है, इस किस्म की बात की जा रही है। और इसी चीज को जो है वो रखते हुए, यानी कि इसी चीज को गौर करते हुए, इस चीज के ऊपर गवर्नमेंट ने स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज जो है इस्लामाबाद में एक वीक के लिए बंद कर दिए हैं। और कहा यह है कि इस्लामाबाद को हाई अलर्ट पे रख दिया गया है, यानी कि अब हर किसी की चेकिंग होगी, बहुत ज्यादा देखभाल की जाएगी। खदशात पर इस्लामाबाद की चार जामियात को गैर मुयना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है, बहरिया, एयर और नेशनल डिफेंस और कायद आजम कहते हैं जो जैसा करेगा वो वैसा ही भरेगा, और ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में, क्योंकि आजादी के बाद से ही जैसे इनको एक चस्का सा लग गया था दुनिया में आतंकवाद फैलाने का, लोगों को बर्बाद करने का, और अपनी मिलिट्री की ट्रेनिंग वहां पर लोगों को ऐसे देना और आतंकवादी संगठनों को बनाना, उनको फंडिंग करना, और जिस तरह से इन्होंने भारत को बर्बाद करने के लिए अपने दिमाग में जो मंसूबा बनाया था, और जिस तरह से फिर ट्रेनिंग वगैरह देकर लोगों को ट्रेंड किया और बॉर्डर पार करा करके इन लोगों को दहशतगर्दी करने के लिए भेजा गया, अब वही सारी चीजें पाकिस्तान के खुद के ऊपर ही भारी पड़ रही हैं, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम इनकी आर्मी का था, ये सारा जो कुछ हिसाब किताब होने वाला था ये आर्मी ने ही किया था, यानी कि आर्मी ने ही ट्रेनिंग दिया और उन्होंने ही ये दिमाग लगाया कि हम जो है खुद तो लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मतलब लड़ाई लड़े और हार गए तो उसके बाद में ये लोग सोचे कि अब हम ऐसे ही ये कारनामे करेंगे और आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर पूरे भारत को हम हिलाकर रख देंगे। लेकिन अब इनकी हालत ये हो चुकी है कि वही टेररिस्ट लोग अब इनके खुद के ऊपर हमला करने की बार बार तैयारी करते हैं, बार बार धमकियां लगाते हैं, बार बार पाकिस्तान में ही दहशत फैलाते हैं, क्योंकि जब आप किसी को हथियार देते हैं ना दूसरों को डराने के लिए, और जब वो व्यक्ति संभल जाता है या फिर वो आपसे ताल्लुकात हटा लेता है, तो उसके बाद में जिसके हाथ में हथियार होगा वो ट्रेनिंग देने वाले को ही डराएगा, ये लाजमी सी बात है। अगर सामने वाला नहीं, अगर उसको कोई नहीं मिला तो वो उसी को डराएगा जो उसके आसपास मौजूद होगा। तो ये सारी चीजें अब पाकिस्तान फेस कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से अब वो शेर पाल लिया है और उसको चारा नहीं दे रहा है तो शेर तो उसे ही खाएगा ना, तो इसी तरह से अब वहां पर इस समय हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अभी कुछ दिन पहले वहां के व्हाट्सएप ग्रुप में ये खबर वायरल हुई कि कुछ आतंकवादी आ चुके हैं और जो सुसाइड बम्बर हैं जो खुद को मार लेंगे कहीं पर जाकर, और खासकर उनका निशाना वहां की बड़ी बड़ी कुछ तीन चार यूनिवर्सिटियां हैं तो उसी को ही वो निशाना बनाएंगे और उसी में ही तबाही मचाएंगे। और ये वायरल हुई जैसे खबर, वहां पर लोग चर्चा करने लगे, फिर कुछ लोग तो कॉलेज जाना ही बंद कर दिए। उसके बाद में वहां की ये जो बेवकूफ सी सरकार है उसने भी सोचा चलो बहाना अच्छा है लोगों में दहशत फैलाने का, लोगों को डराने का, तो उसने उठाकर ऑफिशियल तरीके से छुट्टी का ऐलान कर दिया और लोगों को हिदायत दे दी कि आप अपने घर में रहना, बाहर मत निकलना जब तक हम इसको पकड़ नहीं लेते हैं और जब तक इसे अंदर नहीं कर देते हैं या जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता है। अब ये कितने दिन में पकड़े जाएंगे, ये कितने दिन में अरेस्ट होने वाले हैं, क्या होने वाला है, इन सब चीजों पर कोई बात नहीं करी गई। इसके बाद में यानी कि अब अफवाह एक व्हाट्सएप ग्रुप से शुरू हुआ और वो सरकार तक गया और सरकार ने भी उसको संज्ञान में ले लिया। अब सोचने वाली बात है क्या सरकार इतनी मजबूर हो गई है कि वो अब इस अफवाह से और इन सब दलीलों से ही
वहां पर छुट्टी का ऐलान कर देती है और फिर कोई सोल्यूशन भी नहीं निकाल पा रही है इन सब चीजों के लिए, इन आतंकवादी गतिविधियों के लिए। तो कहीं ना कहीं अब ये खुद ही फंस चुके हैं और इनको बखूबी पता है कि किस तरह से ये लोग हमला करने वाले होते हैं, किस तरह से ये हमला करते हैं। और जब ये आतंकवादी हमला करते हैं तो फिर ये नहीं देखते कि सामने कौन है क्या है, उनको तो मारना है और मारना है तो मार देते हैं बस। ये सारी चीजें हैं पाकिस्तान की खासियत। तो चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। यूनिवर्सिटी को बंद किया गया है, इस्लामाबाद के मुतादिद स्कूल्स को भी बंद कर दिया गया है। जी वफाकी दारुलहुकूमत की 4 बड़ी जामियात को जो है वो बंद करने का फैसला किया गया था और इस हवाले से जो थ्रेट अलर्ट्स थे वो मौसूल हुए थे, जिसके बाद इंतजामिया जो है उन्होंने अपने तई इन यूनिवर्सिटीज और स्कूल्स को बंद करने का फैसला किया। इसमें 4 बड़ी यूनिवर्सिटीज जबकि बेशतर छोटे स्कूल जो है उनको बंद करने का फैसला किया था और मुतला करने के लिए तमाम पेरेंट्स को एक टेक्स्ट मैसेजेस जो थे वो भिजवाए गए थे कि अन अवॉइडेबल सूरत हाल की वजह से हम इस स्कूल को बंद कर रहे हैं, तो पेरेंट्स अपने बच्चों को जो स्कूल आ चुके उनको वापस रिसीव कर लें या जो नहीं आए उनको ना आए। इस हवाले से आईजी इस्लामाबाद जो है उन्होंने अभी उनसे हमारी बात हुई तो उनका ये कहना था कि ये थ्रेट्स जो थे ये मौजूद हैं। तो यहाँ पे भी जो तैयारियां हैं उनके अंदर भी 3 जामियात जिसमें एनडीयू नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, दूसरी है जी एयर यूनिवर्सिटी, जाहिर है कि एयरफोर्स का नाम उसके साथ जुड़ा है तो एक इसकी सिंबॉलिक अहमियत बन जाती है कि ये भी डिफेंस के एक अदारे की है। वैसे भी एयरफोर्स ने पिछले दिनों कुछ लोगों को सबक सिखाया है तो उन लोगों ने कहा होगा कि अच्छा फिर हम इस तरह बदला लेंगे। ठीक है, मैं जज्बाती आदमी हूँ, मेरा भी फौरी रद्दअमल करूँगा, इन पर भूखे कुत्ते छोड़ दो, लेकिन ये इलाज नहीं है। अच्छा वो जो आपने कहा है कि जी वो क्या कर दें को एजुकेशन, वो भाई मैं को एजुकेशन का इस ट्रेड में मुझे 40-45 साल हो गए हैं, जाओ किसी से पूछो कभी को एजुकेशन इसका मतलब है हमारी बच्चियां बाहर पढ़ने के लिए जा ही नहीं सकती, वो होश करो, घटिया सॉल्यूशंस देते हैं। बहुत से लोगों का कहना यह भी है कि हो सकता है कि ये एक अफवाह हो, यानी कि गवर्नमेंट की तरफ से उड़ाई गई अफवाह हो और उसकी वजह यह है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं ये चाह रही है कि इलेक्शंस जो है वो आगे कर दिए जाएं, इलेक्शंस को टाइम पर ना होने दिया जाए, ये वजह भी बताई जा रही है। खैर हम उम्मीद करते हैं और हम दुआ करते हैं कि सब खैरियत रहे और किसी किस्म का जानी या माली नुकसान इस्लामाबाद को, पाकिस्तान को या दुनिया में कहीं भी किसी को ना देखना पड़े। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो खबर चल रही है वो यही है कि इस्लामाबाद में स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है और कहा यही गया है कि कोई टेररिस्ट और वो भी कोई औरत टेररिस्ट, यानी कोई खातून, कोई फीमेल, कोई लेडी जो है वो इस्लामाबाद में दाखिल हुई है और कहा यह जा रहा है कि वो हो सकता है कि वो किसी भी तालीमी इदारे को, किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को निशाना बनाए और इस वजह से सब बच्चों को कहा गया है कि अपने घरों में रहो और स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है पूरे 1 वीक के लिए। यानी एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन ही बंद कर दो, गाड़ियां अक्ल को हाथ मारो, तुमने इनको दिया क्या है? ये जानवर जो फिर रहे हैं इर्द गिर्द, ये दो पाए, हम जहां पहुंच चुके हैं एज अ नेशन अखलाकी तौर पे, सबसे पहले मैं चीखा था इस मुल्क में इक्तसादियात रोना बंद कर, ये अखलाकियात की तबाही है जिसने इक्तसादियात की तबाही को जन्म दिया। अच्छा जो है वो कायद आजम यूनिवर्सिटी जो थी, तीनों यूनिवर्सिटियों के में से किसी के ऊपर स्ट्राइक हो सकता है, तो कहा गया कि अगर आपके बच्चे इन जामियात में पढ़ते हैं तो वहाँ पे इनको ना भेजिएगा। फिर आज जो है वो बकायदा इस्लामाबाद की हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने इन तीनों जामियात को बंद भी कर दिया, तो फिर क्लियर हो गया कि ये वाकई इनकी तरफ इशारा था। कैरेक्टर बदलो, कैरेक्टर कैसे बदलो? ये को घर है, पैसा आ गया लुटमार का, तो तुमने फलाने हाउस की कतारें लगा दी तो जाती उम्रें बना लिए, कैरेक्टर बदलने के लिए तो मेहनत चाहिए। उसके लिए लोगों को अपनी जाती एग्जाम्पल्स पेश करना पड़ेंगी। अब ये तालीम तरबियत कैरेक्टर बिल्डिंग की कमी है, जहालत का सैलाब है। सैलाब आता है तो वो जेंडर नहीं देखता, ये औरत है मर्द है, ये बच्चा है बूढ़ा है, ये कोठी है कोठा है, वो सारा कुछ रोड़ के ले जाता है, ये जहालत का सैलाब है। कि यहाँ पे तखरीबकारी होगी
और तासुर ये दिया गया कि जैसे वो हमलावर जो हैं या जो भी खुदकुश है या जो भी तखरीबकार हैं वो इस्लामाबाद में एंटर हो चुके हैं और एंटर हो के इन यूनिवर्सिटियों में से किसी एक यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में मुकीम हो चुके हैं और वहाँ से वो निकलेंगे और बाहर आके पट जाएंगे और जब वो पट जाएंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसान